अमित वर्मा जनपद वाराणसी। मोहम्मद अहमद जनपद आजमगढ़। मोहम्मद अहमद जनपद आजमगढ़। धन्यवाद माननीय। इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए AKTU के उन 5 संस्थानों के इंक्यूबेशन केंद्र एवं 2 स्टार्टअप्स जिन्होंने अपने उत्पादों इंक्यूबेशन केंद्रों की गुणवत्ता के आधार पर रिकॉग्निशन प्राप्त किया है तथा स्टार्टअप यूपी द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज उन लोगों को समृद्ध रूप से 2,87,50,036 रुपए की सहायता स्टार्टअप यूपी द्वारा दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं उन सबको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। स्टार्टअप की श्रेणी के प्रथम 2 नाम रोड पायलट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर निधि शर्मा, शिप रूम्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर वेद भूषण द्विवेदी। इंक्यूबेटर की श्रेणी के 5 नाम JSSATE साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क नोएडा, डॉक्टर दिव्या राजपूत उनके रिप्रेजेंटेटिव, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब MNIT फाउंडेशन प्रयागराज, डॉक्टर अनुभव रावत, MIET इंक्यूबेशन फोरम मेरठ मिस्टर रेहान अहमद। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से युवाओं को प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण किया जाएगा। यह अवार्ड 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी एवं मंगलदाय श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार पाने वाले युवाओं को 50,000 की धनराशि, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, शॉल, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। इनके नाम मैं एक एक करके लूंगा। श्री पार्थ बंसल जनपद कानपुर देहात कार्य क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार हेतु, श्री उमा सिंह जनपद गोरखपुर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धि के लिए, श्री आयुष त्रिवेदी जनपद कानपुर देहात कोविड संक्रमण के दौरान समाज सेवा करने के लिए इन्हें पुरस्कार मिल रहा है, सुश्री जैनब खातून जनपद मेरठ पैरा पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों हेतु, श्री सूर्य प्रताप मिश्र जनपद लखनऊ बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए, श्री शिव प्रसाद शुक्ल जनपद गोरखपुर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, सुश्री दामिनी गुप्ता जनपद गाजियाबाद संगीत के माध्यम से जागरूकता अभियानों में योगदान करने हेतु, श्री अभिषेक सिंह जनपद सुल्तानपुर रक्तदान के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है इसलिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, श्री मोहित शर्मा जनपद बरेली सामाजिक सेवा क्षेत्र में योगदान हेतु आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। मंगलदल श्रेणी में विवेकानंद यूथ अवार्ड प्रतिवर्ष युवक मंगलदल एवं महिला मंगलदल को दिया जाता है। इस अवार्ड के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता को ₹1,00,000 की धनराशि, द्वितीय विजेता को ₹50,000 एवं तृतीय विजेता को ₹25,000 की धनराशि दी जाती है। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के युवक मंगल दल विजेताओं को पुरस्कार लेने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रथम पुरस्कार जाता है जनपद सिद्धार्थनगर विकास खंड डुमरियागंज ग्राम पंचायत हल्लौर मोहम्मद जामिन अब्बास एवं श्री अफराज हुसैन। द्वितीय पुरस्कार जाता है जनपद वाराणसी विकास खंड अराजी लाइन ग्राम पंचायत चंदापुर श्री अशोक कुमार एवं श्री आशीष कुमार। तृतीय पुरस्कार जाता है जनपद कानपुर देहात विकास खंड अकबरपुर ग्राम पंचायत बेवन श्री आयुष त्रिवेदी जी एवं श्री शनि बाबू जी। इस वर्ष के महिला मंगल दल विजेताओं को
यहाँ अंदर घुसे रहते हैं। युवक मंगल दल विजेताओं को पुरस्कार के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रथम पुरस्कार के लिए आमंत्रित करती हूँ जनपद सिद्धार्थनगर विकास खंड डुमरियागंज ग्राम पंचायत हल्लौर मोहम्मद जामिन अब्बास एवं श्री अफराज हुसैन। विधि पुरस्कार के लिए वाराणसी जनपद से श्री अशोक कुमार एवं श्री आशीष कुमार। तृतीय पुरस्कार के लिए जनपद कानपुर देहात विकास खंड अकबरपुर से श्री आयुष त्रिवेदी एवं श्री शनि बाबू। इस वर्ष के महिला मंगल दल विजेताओं में प्रथम पुरस्कार जाता है जनपद वाराणसी विकास खंड काशी विद्यापीठ ग्राम पंचायत हरिहरपुर सुश्री शिवांगी पटेल एवं सुश्री श्वेता पटेल। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। विधि पुरस्कार जाते हैं कानपुर देहात जनपद से विकास खंड देरापुर सुश्री अनामिका तिवारी एवं सुश्री श्रेया द्विवेदी। तृतीय पुरस्कार जाता है जनपद गाजीपुर विकास खंड सदर ग्राम पंचायत फतेहपुर अटवा सुश्री नेहा कुमारी एवं सुश्री अंजू कुशवाहा। धन्यवाद माननीय। अभी मैं अन्य माननीय महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि प्रथम पंक्ति में अपना जगह लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी युवाओं से संवाद करेंगे, तो अन्य गणमान्य महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो प्रथम पंक्ति में कृपया स्थान ग्रहण करें। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज युवाओं के साथ संवाद करने के लिए समय दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अनुमति से यहाँ कई युवाओं ने आपसे संवाद करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हीं में से जो कुछ युवाओं को मैं आमंत्रित करूँगा कि कृपया अपनी बात रखें। श्री रजनीश शर्मा, कृपया माइक उन तक पहुंचाए। रजनीश शर्मा जी जा रहे होंगे। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम रजनीश कुमार शर्मा है। मैं ग्राम महेशपुर जिला देवरिया का निवासी हूं। मैंने महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर गोरखपुर से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। मैं वर्तमान में APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में MBA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रेरणा संदेश दिया गया है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, 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 भाई। रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से और गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल के एक महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए अब प्रदेश की राजधानी के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से आप अपने आगे की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, आप देखिए उस कालखंड को पहले, उन्होंने
1863 में उनका जन्म होता है और 1902 में वे इस धराधाम पे नहीं रहे, केवल 39 इयर्स की आयु थी उनकी, लेकिन इन 39 वर्षों में उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जो एक प्रेरणा दी युवाओं को, उठो जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उसमें सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती करूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले इसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कहे गए हो, और चाहे वह आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है, यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने
जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति कौन सी जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को मानव मात्र को जीने की राह दिखाती है और विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा कोई बुद्ध भारत से ही फिर संदेश देने के जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद ही भारत से जाएगा और इसे भारत के स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन ये जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। जय श्री राम। था
डरते थे लोग अपना परिचय देने। अच्छा मैं अक्सर इस बोलता था लोगों से डर क्यों है, तो बहुत सारे युवा हमें इस बात को कहते थे कि देखिए साहब हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर हम परिचय दे देंगे उत्तर प्रदेश का तो हमें पहले ही इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा, पहचान छुपाते थे। और बहुत परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया था, हॉस्टल में रखते थे। युवा भी अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था, या किसी भी तबके का कोई व्यक्ति यूपी से बाहर जाता था अपनी पहचान छुपाता था। आप देखिए कहकर कानून व्यवस्था कि केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनी, उसका पैमान क्या है, गत वर्ष 31 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आया है। सामान्य संख्या नहीं है, एक टूरिस्ट आता है अगर वह यूपी के अंदर आकर के $100 भी खर्च कर रहा होगा, यानी हम मान लें कि 8,000 के लिए 5,000 रुपया खर्च कर रहा होगा, आप अनुमान कर लीजिए कितना पैसा यूपी के अंदर आ रहा है। टैक्सी तो यही कर लेगा, खाना भी यही खाएगा, होटल में यही रहेगा, कहीं अन्य सामान भी उसको लेने पड़ेंगे, कहीं टैक्सी है, कहीं रिक्शा है, कहीं पर मंदिर में गया तो वहां फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, कुछ अन्य चीजें आएगा। 31 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश में आगमन इस बात को बताता है कि इस पोटेंशियल को हम लोगों ने पहले छुपाया, वो अवसर से हमने वो अवसर हम कमा चुके थे, लेकिन फिर से वह यूपी के अंदर आया। निवेश भारी पैमाने पर, हर देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज के दिन में यूपी में निवेश करना चाहता है। यूपी के हमारे नौजवानों को आज नौकरी के लिए आने वाले समय में यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यूपी के अंदर परसेप्शन, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का बदला है। और उसकी पहली शुरुआत होती है कानून व्यवस्था से, बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल। इसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने एक नई राह दिखाई है और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं, और देश और दुनिया में जहां कहीं जाएगा और कहेगा कि मैं यूपी से हूं तो मैं चाहती हूं भी लोग उसको इंटरव्यू लेने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो ये परसेप्शन बदलने में भी इसने बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है, यूपी को एक नई पहचान चलाई है, यूपी के बारे में लोगों का नजरिया बदला है और ये बेहतर कानून व्यवस्था से उसकी शुरुआत होती है। सर मैं इसी तरह श्री अंकुर तिवारी से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी बात रखें, कृपया माइक ले लो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मैं अंकुर तिवारी जनपद कानपुर के हाथ से युवा गंगा दल सदस्य। माननीय मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश की युवा गंगा दल के साथ आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, तो आज की इस पावन अवसर पर आप युवा मंडल के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंकुर जी, आपको और आपके प्रदेश के सभी युवा मंडल दल और महिला मंडल दल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक सक्रिय भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को फिर से जीवित किया है। और अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री जी नागपुर में इसको लॉन्च कर रहे हैं, देश भर के लिए, यूपी के अंदर
लेकर के मैंने हमने लॉन्च किया है। एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है आज से, माई युवा भारत, माई भारत। देश भर के सभी युवाओं को जोड़ने के लिए, और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा यहां एकेडमियों के सभागार में और प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा, वे माई युवा भारत इस अभियान के साथ जुड़े। याद रखना, आपकी आकांक्षाओं को नया पंख लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई संदेह की चीज नहीं है। युवा मंत्रालय की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक आपको याद होगा कि हर युवा मंत्रालय और महिला मंत्रालय को हमारा युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा, गांव में अवेयरनेस में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। शासन की स्कीम तो आती है, ये जो हम लोग पैकेट में स्मार्टफोन बांट रहे हैं ना छात्रों को, ये केवल बांटना नहीं है, ये खैरात नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी थी, उस खामी को दूर करने का एक प्रयास है। खामी क्या था कि शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होती थी, लेकिन जिस देश के लिए और जिस समाज के लिए इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग होना है, उसी से वे दूर हो जाते थे। शासन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होती थी। हमने इस पूरी टैबलेट स्मार्टफोन में एक व्यवस्था दी है, और वह व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई युवाओं से संबंधित स्कीम को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो उसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। जैसे पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। अब इनमें से किसी युवा को अपना स्टार्टअप स्थापित करना है, उसके पास पूंजी की कमी है, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो उसमें सहायक हो सकती है, उसके लिए पीएम मुद्रा की योजना उसके लिए सहायक हो सकती है, उसके लिए सहयोगी बन सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं। इसलिए इन सभी स्कीम को इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, तो इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता, और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों का हो, स्वच्छता के कार्यक्रम का हो, या ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं को पात्रता के अनुसार हर तबके के लोगों को प्राप्त हो सके, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। और युवक मंगल दल ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है, गांव के अंदर सौहार्द बनाने में, गांव के लोग मिल करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार बनाने में अपने एक सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप लोग कर सकते हैं, और इसी दिशा में युवा कल्याण विभाग ये प्रयास कर रहा है स्पोर्ट्स किट, इसी के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। लेग पुलिंग नहीं, गलत और नकारात्मक प्रवृत्ति है, लेकिन जब हम खेलते हैं आपस में स्पोर्ट्स के मैदान में, दो टीमें आती हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब हम गांव में कोई कंपटीशन विकास के लिए करते हैं तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब स्कूली छात्र अपनी क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद जब उनको अंक दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होकर के एक लंबे समय तक स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हम इसी रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं
इसी कड़ी में अपना वक्तव्य रखने के लिए सुश्री लवली सक्सेना जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक ले लीजिए। धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं रवि सक्सेना अध्यक्ष महिला मंगल दल जनपद शाहजहांपुर से। महोदय, हम सभी अखबारों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से करोड़ों अरबों का औद्योगिक निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है, इस सफर में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? रवि जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महिला मंगल दल से जुड़े होने के बावजूद भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के बारे में भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। जब कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा था उत्तर प्रदेश के बारे में, तभी मैंने इस बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। हर बहन बेटी को सुरक्षा का एहसास कराया है, हर व्यापारी को, हर टूरिस्ट को भी सुरक्षा का एहसास कराया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर प्रदेश में हर निवेशक, हर व्यापारी, हर उद्यमी तो अपने को सुरक्षित महसूस कर ही रहा है। लेकिन दुनिया और देश का हर बड़ा निवेशक यूपी में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने पॉलिसी बनाई, शासन का काम मेरा हमेशा से मानना रहा है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, सरकार का काम एक रेगुलेशन तैयार करना है, रिफॉर्म करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना एक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। हम लोगों ने यही किया। 2017 की घटना है, जब सरकार बनी थी उसके 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम से कहा था उस समय कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी आबादी है यूपी की, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रयास हो सकते हैं। मैंने कभी क्या ये हो सकता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट करें। इन्वेस्टर समिट की जब बात आई तो हमारे उस समय के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री, जो आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, और उस समय के औद्योगिक और अवस्थापना विकास के जो आयुक्त थे, ये दोनों मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर समिट होगा, लेकिन मैंने कहा कितने का आप तैयार कर रहे हैं, कितने का निवेश करवाएंगे? तो इन्होंने कहा 20,000 करोड़। अबे, हमने कहा उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को अभी आप पहचान नहीं पाए हैं क्या? ये 20,000 करोड़ तो हम किसी को फोन करेंगे, वो फोन करके उत्तर तो हम ऐसे मंगा लेंगे बाहर ऐसी बात कहते थे। कौन करेगा? मैंने कहा आप रोड शो करिए, प्रचार प्रसार करिए, पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करिए। देखिए, हम लोगों ने जब इस पे काम प्रारंभ किया, इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में हमारा हुआ, उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। लेकिन जहां हम 20,000 करोड़ की बात करते थे, हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए 4,68,000 करोड़। हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर कराया। लेकिन जब फरवरी 2023 में, याद करना, ठीक 5 साल के बाद हमने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो प्रस्ताव कितने के हमारे पास आए? 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव क्या बताते हैं? 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बात को बताते हैं। और याद रखना, ये निवेश के प्रस्ताव केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी सिर्फ आने वाली है, 1,10,00,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला
समय न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये निवेश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हम लोग इसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए, कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं जिसके लिए सरकार की समयबद्ध पॉलिसी तैयार होना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिक से अधिक रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उस लाल फीता साई से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते 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 उसको वर्षों में जाते थे, अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू किया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाए। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। इतना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो और वह आसानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे सेक्टर थे जिसने रिफॉर्म किए और उस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता प्राप्त। खासतौर पर हम लोग जब आए थे बाद में चौथे स्थान पर भी नहीं था, आज नंबर दो पर है। जब हम लोग आए थे तो मंडी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर छठे स्थान पर था, लेकिन आज हम नंबर दो पर क्योंकि नंबर दो पर। ये सभी के प्रयास है जो सरकार के स्तर पर और खासतौर पर डबल इंजन के सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। और इसमें मेरा मानना है कि हमारे युवाओं की बड़ी प्रतिभा है जिन युवाओं ने यूपी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद। अगले प्रश्न अपनी बात रखने के लिए मैं श्री बुद्ध प्रिय कुशवा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक उनको पास कर दो। श्री बुद्ध प्रिय कुशवा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुद्धप्रिय कुशवाहा ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान विकास खंड मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर से युवक मंगल अध्यक्ष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव एवं हार जीत के पल आते हैं, वह एक जीवन के अभिन्न अंग हैं। ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री? और निरंतर प्रयास। याद रखना, हर हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति की विफलता नहीं है, उसके लिए एक नई शुरुआत होती है। अक्सर हम मृत्यु को बुरा मानते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां पैदा की। मैं जिस परंपरा से आता हूं उसमें महावीर गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी वो कहते हैं हर व्यक्ति को मरने से डरो, उसके पीछे का एक ही कारण है, हर मौत एक नई जीवन की शुरुआत होती है और हर
जीवन का एंड एक मौत पे होती है। याद रखना, जीवन में भी सफलता असफलता दोनों की प्रवाह के बगैर, सफलता सफल हुए तो उन कारणों को जान करके और अच्छे प्रयास करके उससे भी अच्छी सफलता के लिए हमें प्रयास करना है, असफल हुए तो उन कारणों की भी विवेचना करके फिर कहां पे हमने कमी कर दी इसको देख करके उससे अधिक मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमें सफलता की नई राह दिखाएगा। और जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं जो न हो सकता हो, अवश्य हो सकता है, बशर्ते हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके और अवश्य सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही संदेश हमको दिया है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, और यही जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं तथा ऑनलाइन के माध्यम से हजारों संख्या में युवा जुड़े हैं, तो उन सबको संबोधित कर आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करता हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्यामोक कुमार जी, प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव आईटी, महानिदेशक युवा कल्याण और एकेटीयू की हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ की युवा साथियों, मंगल दल, युवक मंगल दल और अन्य विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती, इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है, एकेटीयू के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है, स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है, और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है माई भारत पोर्टल पर, इसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा
स्वच्छता अभियान में भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति, लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था, देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए अगर भारत, देखिए आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत, पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पंच प्रण की बात की। प्रत्येक युवक से उन्होंने इस बात का आह्वान किया, पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, जो स्थानीय है, लोकल है, लेकिन इसमें हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हम उनके बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं, हम उसे क्वालिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसे डिजाइनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में योगदान दे सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी भी दिखनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन भी होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार उसमें पैकेजिंग भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी तो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी दुनिया के बाजार में छाता हुआ दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे कई गुना, उतनी ही समय में एक व्यक्ति कई गुना उत्पाद ला सकता है, और उत्पाद ला सकता है इसका मतलब अगर उतने ही समय में उतनी ही मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार होना है और पहले की तुलना में कई गुना उसकी संख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से दाम कम होंगे और मार्केट में कंपटीशन के योग्य वह बनेगा। इस दिशा में युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, उदाहरण है जब 2017 में उत्तर प्रदेश में